Welcome to another episode of Hashtag Ask Karshi, and this is a video for Hindol Chatterjee, right? I think ये कोलकाता के हैं and he have this question that ma'am please make a video on top MBA colleges in Kolkata with CAT percentile cutoff, right? So that what he is asking when it comes to top colleges in Kolkata. So let me just tell you, अगर हम कोलकाता की बात करें तो देखो top देख के मत कॉलेज जाओ. अगर आप मिस्टर यू नो चैटर्जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, वैसे तो यहाँ पे के लिए बना है, बट आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनको भी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले तो टॉप कॉलेजेस हर बच्चे की प्रोफाइल के हिसाब से, हर बच्चे के कैट के स्कोर के हिसाब से वेरी करेंगे. सो पहले अगर हम बात करें सबसे पहले टॉप कॉलेजेस इन कोलकाता की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आई एम कैलकाटा. फॉर एग्जाम्पल इट इज अमंग टॉप 3 एमबीए कॉलेजेस इन नॉट ओनली कोलकाता इन इंडिया, बट इसके एडमिशन के लिए 99 प्लस का स्कोर चाहिए. तो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के लिए इतना स्कोर कर पाना पॉसिबल जो है वो नहीं है. IAFT भी है, बट IAFT जो है वो कैट एक्सेप्ट नहीं करता है. देन अब आते हैं एक कॉलेजेस जो कहीं ना कहीं इन सभी कॉलेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे पूछते हैं ISWBM कोलकाता के बारे में, राइट, देन IMI कोलकाता के बारे में, ठीक है, देन प्रैक्सिस के बारे में, ठीक है, देन ग्लोबसन के बारे में, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, एंड ग्लोबसन के बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, BIBS के बारे में, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस. तो अगर हम IMI कोलकाता की बात करें तो ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट का बजट है इसके लिए कैट में अगर आपका इवन 60% है, 50% है, तो आप IMI कोलकाता में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. बट आपका बजट जो है वो ना हायर साइड होगा, बिकॉज येस IMI हैव अ ब्रांड वैल्यू, एंड उस ब्रांड वैल्यू के हिसाब से नाम बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, तो ऑब्वियसली बजट उतना जाएगा. कैट का कट ऑफ कहीं पे भी उतना मैटर नहीं करता है. आइदर यू हैव 50, आइदर यू हैव 60, आइदर यू हैव 70, यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दीज ऑप्शंस. इट्स मोर अबाउट आपके एकेडमिक्स, एंड क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये टीयर 1 के कॉलेजेस नहीं है, राइट, तो इनके लिए कैट में आपको 80 नहीं चाहिए, 85 नहीं चाहिए. आपका एकेडमिक्स और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, भले हम वो ISBM WBM की बात करें, हम प्रैक्सिस की बात करें, हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अगर आप MBA करते हैं तो बात करें. तो अगर आप टॉप कॉलेजेस जानना चाहते हो तो ऑब्वियसली प्लीज डू नॉट गेट इनटू दिस मिथ ऑफ टॉप कॉलेजेस. देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, राइट, एंड उनमें से आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, बिकॉज यही 4-5-6 कॉलेजेस हैं जो कोलकाता में हैं जो बहुत अच्छे हैं. उनके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे अगर IIM कलकत्ता, तो उसके लिए स्कोर बहुत ज़्यादा चाहिए. तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि मेरे बजट के हिसाब से मैं कौन से कॉलेजेस को स्पेसिफिकली टारगेट करूँ, मैं आपको कॉलेजेस बता चुकी हूँ, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो. नाउ वन मोर थिंग, कि आई मीन डू नॉट रिलाई ऑन वेबसाइट्स. एंड आजकल तो यू नो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से बात करने के बाद भी अगर आप उस कॉलेज को अच्छा सोच रहे हो तो वो भी रियलिटी नहीं है, बिकॉज रिसेंटली आई हैव टेकन एन इंटरव्यू ऑफ एन स्टूडेंट, एंड आफ्टर टेकिंग दैट इंटरव्यू आई वाज लाइक टोटली डिस्टर्ब्ड, राइट, एंड डिस्टर्ब्ड बिकॉज यू नो वो स्टूडेंट ने उसके कॉलेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली, बट उसने ये भी बोला कि हम कभी एज अ स्टूडेंट सच्चाई बता ही नहीं पाते अगर बच्चे हमारे पास आते भी हैं तो, बिकॉज हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमारी डिग्री वहाँ पे है, और इन फ्यूचर भी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ड्रॉबैक हो जाता है. So all these things were there. So that what I'm trying to tell you, that you know, have a proper research and then take admission into any of those colleges. So this was the video of Mr. Chatterjee. Answer of Mr. Chatterjee. Please, Hindol Chatterjee, I request you, let me know in the comment section. Agar aapko ye answer satisfy nahi kiya hai, to yaar, I'll definitely shoot this video again. अगर आप थोड़ा सा और elaborate करोगे कि आप इसको नहीं किसी और तरह से video जो है वो चाह रहे हो, बाकी ऐसी videos के लिए बने रहो मेरे साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.